मैं, आई प्रॉमिस यू, माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब. आई हैव अ रिक्वेस्ट. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा. आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी. डोंट वरी अबाउट दैट. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. यू विक्रेय बालाज़. तू कौन है? नर बड़गाम की लड़ाई एक डिफेंसिव इनकाउंटर था जो फर्स्ट कश्मीर वॉर के शुरुआती स्टेजेस के वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब कश्मीर वैली में बड़गाम में हुआ था 3 नवंबर 1947 को इंडियन एयरफोर्स की मदद के साथ इंडियन आर्मी की एक कंपनी और ट्राइबल लश्कर के लगभग हजार पाकिस्तानी अटैकर्स के बीच बैटल हुआ जिन्होंने बड़गाम पर क्लियरली कब्जा करने की कोशिश की थी यह बैटल उस वक्त हुआ जब वॉर के शुरुआती स्टेजेस के दौरान इंडियन सोल्जर्स ने श्रीनगर एयरफील्ड में अपना फ्लाइन शुरू किया था वहीं दूसरी तरफ लश्कर पूरी प्लानिंग के साथ तीन तरफ से आगे बढ़ रहे थे गुलार लेक के नॉर्थ से मेन मुजफ्फराबाद बारामुल्ला, पाटन श्रीनगर एक्सेस के साथ और गुलमर्ग की तरफ से खबर ये थी कि गुलमर्ग रूट के साथ 700 टेररिस्ट के एक लश्कर को बड़गाम की ओर आने के लिए जाना जाता था लेकिन अभी तक उनसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया गया था और जिस तेजी से उनके बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा था उनके हिसाब से लश्कर जल्दी को जब्त करने और इंडियन आर्मी को पोजिशन में होगा लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो साउथ के पाटन डिफेंसिस को बाईपास कर सकते थे और बिना किसी रुकावट के सीधा श्रीनगर पहुंच सकते थे उस वक्त दिक्कत तब खड़ी हुई जब वहाँ इंडियन ट्रूप्स के केवल एक कमजोर ब्रिगेड जिसे पंजाब में रेफ्यूजी प्रोटेक्शन ड्यूटीज से हटाया गया था और फिर जल्दबाजी में ना उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था और उस वक्त श्रीनगर की ओर बढ़ रहे ट्राइबल लश्करों के ग्रुप्स के सामने बस वो कमजोर ट्रूप खड़ी थी इंडियन ट्रूप्स को केवल श्रीनगर एयरफील्ड मागम और पटन में तैनात किया गया था महाराजा के अंगरक्षक राज्य सेना घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी ने ना वुलर झील के उत्तर में फिर से छानबीन की ब्रिगेडियर एल पी सेन वन सिक्सटी वन इंफेंट्री ब्रिगेड के नए कमांडर थे इसके वेस्ट में ना बड़गाम गांव की देखरेख करने वाली पहाड़ियों पर एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग पेट्रोल टीम को भेजने का फैसला किया गया उस पेट्रोल टीम का काम घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों के वहां मौजूद होने की कि किसी भी साइन को ना ढूंढने के लिए बड़गाम के आसपास का एरिया और बड़गाम और मागम के बीच के एरिया की तलाशी लेना था इस पेट्रोल टीम में चौथी बटालियन कुमाऊ रेजिमेंट की दो कंपनियों को शामिल किया जाना था जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन की एक कंपनी भी शामिल थी एक कुमाऊ कंपनी को बड़गाम के आगे तलाशी करने के लिए और मागम में जाकर पहली बटालियन पंजाब रेजिमेंट के साथ जोड़ने का काम सौंपा गया था जिसके बाद वो रोड के रास्ते से वापस आ जाएगी और इस बीच अगर कोई कांटेक्ट नहीं किया गया तो चार कुमाऊ कंपनियां एक एक करके पीछे हटेगी बड़गाम को दोपहर के दो बजे खाली कर देगी तीन नवंबर 1947 को चार कुमाओं की डी कंपनी के कमांडिंग मेजर सोमनाथ शर्मा ने पेट्रोल टीम को लीड किया हालांकि उनकी पिछली इंजरी की वजह से ना उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी गई थी लेकिन मेजर शर्मा ने जैसे ही सुना कि टेररिस्ट आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने साथ जाने की जिद की ब्रिगेडियर एल पी सैन ने पहले तो बिल्कुल मना कर दिया लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने भी हार नहीं मानी जब तक उन्हें साथ जाने की परमिशन नहीं मिल गई बड़गाम से वापसी का समय आने तक तलाशी का काम बिना किसी इंसिडेंट के होने की वजह से टीम प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ी शर्मा को एक समय में एक कंपनी जैसे दोपहर के दो बजते ही एक कंपनी और फिर तीन बजे अपनी कंपनी के साथ वापस जाने का ऑर्डर दिया गया था लेकिन दोपहर के ढाई बजे ट्राइबल की मूवमेंट्स वेस्ट और बड़गाम गांव के पास देखी गई शर्मा ने सही अनुमान लगाया था कि बड़गाम गांव में शोर सिर्फ ध्यान बताने के लिए किया जा रहा है जबकि जो असली हमला है ना वो पहले वेस्ट से होगा और वही हुआ लश्कर ने वेस्ट से हमला किया शर्मा की कंपनी जल्द ही तीनों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी और उन पर हुई मोटार बमबारी से बहुत नुकसान हुआ और काफी सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए मेजर शर्मा जिनका हॉकी गेम की वजह से पहले ही एक हाथ फ्रैक्चर था और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था लेकिन मेजर शर्मा ने अपनी इंजरीज और प्लास्टर से ना ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान इस वॉर में अपनी कंपनी के साथ रहने पर लगा दिया क्योंकि इस क्रूशियल मोमेंट में उसकी पूरी टीम को सही तरीके से लीड करने की जिम्मेदारी उसकी थी और तब शर्मा ने अपनी पोजीशन पर बने रहने की इंपॉर्टेंस को महसूस किया क्योंकि श्रीनगर शहर और हवाई अड्डागर दोनों पर पाकिस्तान अपना कब्जा करने में कामयाब रहा तो वो जानता था कि दोनों जगहें कितनी अनसेफ होगी और वहां रहने वाले लोग कितने अनप्रोटेक्टेड होंगे भारी गोलाबारी के बीच और उनसे आउट नंबर होने के बाद भी एक साथ का सामना करते हुए उन्होंने अपनी कंपनी को बिना रुके बहादुरी से लड़ने के लिए कहा अपनी बटालियन को मोटिवेट करते हुए अक्सर वो खुद को खतरे में डालते हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक भागने लगे और आगे की दो पलटन गिरने के बावजूद भी शर्मा डेस्पिरेटली पल्टन के साथ अपनी पोजीशन पर अड़े रहे उस वक्त मेजर शर्मा उनकी पूरी बटालियन की शक्ति बनकर खड़े थे और जब वो दुश्मन से लड़ने में लगे हुए थे ना तभी उसके पास रखे गोला बारूद पर एक मोटार शेल एक्सप्लोर हो गया जिसका भारी डबल इंपैक्ट मेजर शर्मा की बॉडी पर गया मेजर शर्मा का कंट्रोल धीरे धीरे उनकी बॉडी से छूटने लगा सांस लेने की भी हिम्मत अब उन पे नहीं बची थी जिस वक्त मेजर शर्मा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे उनके मारे जाने से ना कुछ पल पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर में उनका लास्ट मैसेज रिसीव किया गया दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है और हम होपलेसली आउट नंबर है लेकिन मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी आदमी से आखिरी राउंड तक लड़ूंगा और अपनी बटालियन को अपने आखिरी वक्त में भी कभी हार ना मानने और अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन देते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा बैटल ऑफ बडगाम में शहीद हो गए उनकी वीरता से इंस्पायर्ड सिपाही दीवान सिंह दानू ने अपनी जान गवाने से पहले दुश्मन पर निडरता से हमला किया दिवान सिंह को कम से कम पंद्रह लोगों को घायल करने के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया बैटल ऑफ बडगाम में इंडियन एयरफोर्स का भी एक मेजर रोल था और उनकी मदद से इंडियन आर्मी ने मेजोरिटी पाकिस्तान को हरा दिया था मेजर सोमनाथ शर्मा ने 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और वो इंडिपेंडेंट भारत के सबसे पहले परमवीर चक्र के रिसीवर बने उनकी बहादुरी लीडरशिप और पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट की गाथा आगे आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पायर करती रहेगी ब्रिगेडियर सैन ने डिफेंसिस के रीऑर्गेनाइजेशन का आदेश दिया एक पंजाब को तुरंत मागम खाली करने और वापस श्रीनगर जाने का आदेश दिया गया रात होने तक एक पंजाब के सोल्जर्स श्रीनगर में थे और बड़गाम एरिया में जाने के लिए ना एक टुकड़ी भेजी गई तब तक, तक कुमाऊ की पोजीशन काफी लंबी हो चुकी थी मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप में कुमाऊ रेजिमेंट की चौथी बटालियन की एक कंपनी की सफलता से इस लड़ाई का इंपॉर्टेंस जो था वो बढ़ गया था जिसने ट्राइबल लश्करों की आगे बढ़ने की गति को रोक दिया था हालांकि लश्कर के अटैकर्स मेजर शर्मा की बटालियन से बहुत ज्यादा थे शर्मा की कंपनी ने बिना रुके और डट कर सामना करने में हमलावरों के 200 लोगों को मार गिराया था साथ ही लश्कर के ट्राइबल लीडर के पैर में एक गोली लगी थी हालांकि पाकिस्तानी हमलावरों ने उस रात कमजोरियों का फायदा उठाने और एयरफील्ड या श्रीनगर शहर में जाने का कोई प्रयास नहीं किया ये माना जाता है कि उनके लीडर की इनकेपेबिलिटी भारी नुकसान और उस एरिया में एक पंजाब के मूवमेंट की रिपोर्ट ने हमलावरों को उनके इस डिसीजन को ना गलत समझने का कारण बना दिया था जिसकी वजह से एडिशनल इंडियन ट्रूप्स को अगले दिन श्रीनगर हवाई अड्डे में उड़ान भरने श्रीनगर में एंटर करने के सभी रूट्स को रिओर्गेनाइज करने को और उन्हें ब्लॉक करने का समय मिल गया था तो कुछ इस तरह जीता इंडियन आर्मी ने बैटल ऑफ बडगाम और इस जीत में सबसे मेन रोल निभाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को हमेशा एक ब्रेव फाइटर के रूप में याद रखा जाएगा उनका साहसी मैसेज लास्ट मैन लास्ट राउंड को उनकी बटालियन के साथ साथ पूरी आर्मी फोर्स फॉलो करेगी एक ऐसे ही बैटल और उनके बहादुर सोल्जर्स की कहानी से इंस्पायर्ड स्टोरी हमें रैम्बो फिल्म में देखने को मिल सकती है आज के लिए बस इतना ही अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से अलविदा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को